सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रिंस सैनी के चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वाल्काबाल प्लस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इस इंजेक्शन का यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका मार्केट प्राइस क्या होता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न है आपके मन में, तो बेसिकली आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जस्ट आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, जानते हैं वाल्काबाल प्लस इंजेक्शन के यूसेस क्या होते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि वाल्काबाल प्लस में मिथाइल कोबलामीन 1000 mg, पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 100 mg, निकोडिनामाइड हाइड्रोक्लोराइड 100 mg और इसमें बेंजील अल्कोहल 2% का कम्बिनेशन किया गया है, जिस कारण इस इंजेक्शन के काफ़ी अच्छे वर्क्स होते हैं। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज़ जो है IM एंड IV के रूप में किया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर भी किया जाता है और इंट्रावेंस भी किया जाता है, यानी नस में भी दिया जा सकता है। और इस इंजेक्शन के मार्केट प्राइस की बात की जाए तो यह मार्केट में 75 rupees में अवेलेबल होता है। और इसके यूसेज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसके यूसेज जैसे कि जब हमारी कोई नस ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लड का बहाव बराबर नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में इसके काफ़ी अच्छे वर्क्स देखे गए हैं। और इस इंजेक्शन में दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ आर्थराइटिस प्रॉब्लम में और जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। विटामिन B3, विटामिन B12 आदि वीकनेस होने पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों को बैक पेन होता है, उनके जॉइंट्स में पेन बना रहता है, तो उस सिचुएशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। कुछ लोगों को हाथ पैरों में झुनझुनाहट होती है, ये सारी प्रॉब्लम जब हमारी वेंस में बराबर ब्लड का बहाव नहीं होता तो उस कंडीशन में हमारे हाथ पैरों में झुनझुनाहट होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। सो गैस, अब हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे कि कुछ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि नॉर्मल एब्डोमेन पेन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक आदि देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।